नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए अपने F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का ऑफर किया। ये विमान वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के कई एयरक्राफ्ट कैरियरों से ऑपरेट हो रहा है। INS विक्रांत जो कि आधिकारिक तौर पर अगले महीने भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है, ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात विमानों की खरीद को लेकर कयासबाजियां काफी तेज हो गई हैं। भारत ने INS विक्रांत के लिए F/A-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम को चुना है। इन दोनों ही विमानों ने गोवा में INS हंसा नेवल स्टेशन पर इसकी जंप ट्रायल भी पूरा कर लिया है। वहीं अमेरिकी बोइंग का दावा है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट डेक आधारित लड़ाकू विमानों की भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वहीं राफेल एम को बनाने वाली फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने भी यही कहा है कि भारत पहले से ही राफेल लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहा है, ऐसे में राफेल एम की खरीद से भारत को काफी सहूलियत मिल सकती है। हालांकि भारतीय नौसेना ने अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना ने करीबन 4 साल पहले अपने विमान वाहक पोत के लिए 57 यानी कि 57 मल्टीरोल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि समय के साथ इसमें देरी होती रही। अब बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कहा कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भारतीय नौसेना के लिए सबसे बेहतरीन डेक आधारित विमान होगा और कंपनी देश के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में योगदान के अपने सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बोइंग का अनुमान है कि अगर F/A-18 सुपर हॉर्नेट को भारत के अगले विमान वाहक पोत आधारित लड़ाकू विमान के रूप में शामिल किया जाता है तो अगले 10 वर्षों में भारत के एरोस्पेस और रक्षा उद्योग पर $3.6 अरब का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों F/A-18 सुपर हॉर्नेट की अगर बात करते हैं तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 1915 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। इस विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। अभी तक इस विमान के 608 यूनिटों से अधिक का निर्माण किया जा चुका है और कई देश इसके ऑपरेटर भी हैं। पहला तो अमेरिकी नौसेना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और कुवैत की वायुसेना भी इसमें शामिल है। सुपर हॉर्नेट मोटे तौर पर अपने पुराने वेरिएंट से लगभग 20% बढ़ा है। इस लड़ाकू विमान का वजन 3200 किलोग्राम है। सुपर हॉर्नेट 33% अतिरिक्त आंतरिक ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। इससे इसके मिशन की रेंज में 41% की बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस कारण सुपर हॉर्नेट के प्रदर्शन में 50% का इजाफा होता है। सुपर हॉर्नेट का खाली वजन F-14 टॉमकैट से लगभग 5000 किलोग्राम कम है। बोइंग का F/A-18 सुपर हॉर्नेट ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे मैकडॉनल डॉगल्स के बनाए F/A-18 हॉर्नेट के आधार पर बनाया गया। बोइंग ने 1997 में मैकडॉनल डॉगल्स को खरीद लिया था। इसके दो वेरिएंट बोइंग F/A-18E और F/A-18F सुपर हॉर्नेट वर्तमान में अमेरिकी नौसेना में शामिल है। F/A-18E सिंगल सीट और F/A-18F डबल सीट वेरिएंट वाला लड़ाकू विमान है। सुपर हॉर्नेट में एक इंटरनल 20mm की M61 रोटरी कैनन लगी हुई है जो कि 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकती है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, F/A-18 सुपर हॉर्नेट में फ्यूल के 5 ड्रॉप टैंक भी लगाए जा सकते हैं और इसे हवा से हवा में ईंधन भरने वाली प्रणालियों को जोड़कर एयर टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुपर हॉर्नेट 1999 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था और इसने 2006 में पूरी तरह से डिकमीशन किए हुए ग्रूमन F-14 टॉमकैट विमान की जगह ले ली थी। 1984 में F/A-18A को अपने मुख्य फाइटर जेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने 2007 में F/A-18F को खरीदने का ऑर्डर दिया। इस नए विमान ने 2010 में ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना में शामिल पुराने पड़ चुके जनरल डायनेमिक्स के F-11C विमान की जगह ली थी। दोस्तों इस विमान को पहली बार 1992 में अमेरिकी नौसेना ने अपने डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए इसके लिए ऑर्डर दिए थे और इसका नाम F/A-18 बरकरार रखा गया। हालांकि इसके साथ कुछ नयापन दिखाने के लिए सुपर हॉर्नेट का टाइटल जोड़ा गया। हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट कई विशेषताओं को साझा करते हैं जिसमें एवियोनिक्स, इजेक्शन सीट, रडार, एमुनिशन, मिशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस ऑपरेटिंग प्रोसीजर शामिल है। सुपर हॉर्नेट ने पहली बार 29 नवंबर 1995 को उड़ान भरी थी। कंपनी ने 1995 की शुरुआत में इस विमान के 2 प्रोडक्शन लाइन स्थापित किए थे जिन पर F/A-18E/F पर निर्माण शुरू हुआ था। दोस्तों बहुत कुछ खासियत रखता है सुपर हॉर्नेट, लेकिन दोस्तों हमें कुछ संख्या में सुपर हॉर्नेट्स तो खरीदने पड़ेंगे अपनी नौसेना के लिए जब तक हमारा खुद का TEDBF बनकर तैयार नहीं हो जाता। इसीलिए
भारत को एक तो अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आगे बढ़ना होगा, उसके साथ साथ जो डेक आधारित विमान है उनकी खरीद एक निश्चित संख्या में करके अपने ही फाइटर प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।